सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मौजूद हैं ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड में और आज हमारा मैच है फाइनल दस्तगीर स्मैशर्स से। और फाइनल का टॉस हुआ, टॉस जीतकर हम लोगों ने पहले बैटिंग का फैसला किया। बैटिंग पे अभी आरिज भाई और उसके साथ कौन गया, शाह हुसैन, दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। वन डाउन के लिए अच्छा लगे बैट किए हमें। तो ये क्या भाई, बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है और बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा है, उसमें सुफियान है और फास्ट बॉलिंग में कौन कौन है, अज्जी है, अज्जी है, साहिर भाई हमारे अच्छे बॉलर है, लेफ्टी है, मुनीब है, फारूक भाई हैं। तो एक अच्छा स्क्वाड है माशाल्लाह से और कोशिश यही करनी है कि फाइनल जीत के जाएं और ट्रॉफी अपने नाम करें इंशाल्लाह। का फाइनल मैच खेला जा रहा है, आइबेक्स नाइट्स और दस्तगीर स्ट्राइकर्स की टीमें मद्दे मुकाबले हैं और यहां आइबेक्स नाइट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने को तरजीह दी है, कामयाब हो पाएगी। उमर हुसैन यह विकेटों में आती हुई गेंद, इसे सीधे बल्ले के साथ खेले और गेंद गई है डाउन द ग्राउंड। अरसल अली आए हैं अब बैटिंग करने के लिए, पहली गेंद को नहायत ही खूबसूरत अंदाज से ड्राइव किया है और फाइनल मैच है, आसाब की जंग है, ये जाए पावर प्ले के खेल में। समर्थवा नहायत ही शानदार अंदाज से डीप कवर की जानिब खेले और चार रन हासिल किए हैं। क्या होते हैं उस गेंद पर रन बनाने के आउट होने का भी कोई खदशा नहीं होता। यहाँ मेडोन की जानिब खेलकर तेजी के साथ एक रन मुकम्मल किया है और गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो सके, जिसके नतीजे में दो रन हासिल जरूर किए लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई चार रन के लिए। इस मरतबा आउट हो सकते हैं फील्डर गेंद के नीचे और बिल आखिर शाह हुसैन आउट हो चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी और शॉर्ट कवर पर निहायत ही अली राउंड द विकेट गेन करते हुए शॉर्ट पिच गेंद थी, मौका था यहां दूसरी विकेट हासिल करने का लेकिन विकेट कीपर की अच्छी कोशिश थी लेकिन कामयाब नहीं हो सके, खासा मुश्किल कैच था ये। गेंद को निहायत ही शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से खेले और छह रन मिलेंगे अरसल अली को। गुज़िश्ता गेंद पर जब मोहम्मद हारिस सिद्दीकी ने एक रन हासिल किया था, 6.3 ओवर के खेल में 50 रन बनाए हैं। इस मरतबा स्वीप किया है और निहायत ही शानदार कैच लेकर यहां अरसल अली की इनिंग का कर दिया है खात्मा। बैटिंग करने के लिए और पिछले कदम पर जाकर मेडोन की जानिब खेले, एक रन हासिल किया और अब तक बारिश के आसार मौजूद हैं। इस मरतबा कट किया है डीप थर्ड मैन की जानिब, चार रन हासिल किए हैं मोहम्मद हाशिर ने, पढ़ने के बाद अंदर की जानिब आई और इसे राह दिखाई थर्ड मैन की, डीप में फील्डर कोई मौजूद नहीं था। किया जाए लेग ब्रेक बॉलर हैं, इस मरतबा खेले हैं स्क्वायर लेग की जानिब, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर, इस मरतबा कट किया है डीप बैकफुट पॉइंट की जानिब, फील्डर मौजूद, दो रन बड़ी तेजी के साथ हासिल किए हैं। यहां फंबल हुआ है जिसका भरपूर फायदा उठाया और तीसरा रन भी हासिल कर लिया है।
यकीनन जो गेंद खाली गई थी उसका अजाला कर दिया है अब्दुल्ला रफाई ने। दर चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए वक्त की ज़रूरत के मुताबिक बैटिंग करते हैं, और यहाँ वक्त की ज़रूरत की कमी को महसूस करते हुए मोहम्मद हाशिर ने छक्का लगा दिया है। फ्लैटेड गेंद थी और उठा के खेले, और जिस मकाम पर खेले हैं 88 रन बने हैं। इस मरतबा अपील हुई और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की, और मोहम्मद हाशिर की सूरत में यहां चौथा नुकसान हो चुका है आइबेक्स नाइट्स की टीम को। बड़ा शानदार कैच लिया और इस बार दबा आउट हो सकते हैं, लेकिन खुशकिस्मत रहे फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं सके, जिसके नतीजे में बड़े जरहाना मिजाज बैट्समैन हैं उसामा पाशा। उठा के खेले, आउट हो सकते हैं और यकीनी तौर पर आउट हो चुके हैं। यहां बिल्कुल जरूरत नहीं थी इस तरह के शॉट लगाने की, और अब्दुल्ला रफाए खुदकुशी कर बैठे। पॉइंट के फील्डर ने नहायत ही शानदार कैच लेकर अब्दुल्ला रफाए की इनिंग कर दिया है खात्मा। तो 92 के मजमुए पर इस मरतबा हिट लगाई है और 4 रन हासिल कर लिए हैं, और अच्छी बैटिंग का सिलसिला जारी है उसामा पाशा की जानिब से। इसी असना में अपनी बालादस्ती दिखाई है उसामा पाशा ने और छक्का लगा दिया है। इस मरतबा भी हिट लगाना चाहते थे, लेकिन कनेक्शन इतना खास नहीं था। एक रन हासिल किया है, दूसरे के लिए वापस मुड़े, दो रन आसानी के साथ हासिल। मरतबा नहायत ही खूबसूरत अंदाज से उठा के खेले और 6 रन हासिल कर लिए हैं, और अब हारिस अहमद खान ने भी अपने हाथ दिखाना शुरू कर दिए हैं और नहायत ही बुलंद वाला छक्का लगा दिया है। अब दोनों बैट्समैन भरपूर चार्ज करते हुए 122 से बढ़ता हुआ स्कोर छक्के के साथ ओवर का आगाज किया है। मरतबा एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेले, बड़ी तेजी के साथ 1 रन हासिल किया और एक ही पर इत्तेफाक करना पड़ेगा।
रबर। स्मर्तबा उठा के खेले, आउट हो सकते हैं। तो मसला नहीं होता, वो परेशान नहीं हो। और कैच करने का मौका था, लेकिन बॉलर और विकेट कीपर दोनों साथ आ गए थे। जब बॉलर ने अपनी नजरें हटा ली थी और विकेट कीपर करते हुए, देखना पड़ेगा बाकी मादा 18 के दो पर कितने रन से बनाने में कामयाब हो पाएंगे। ऑन साइड की जानिब खेले, एक रन हासिल किया है, एक ही पर इत्तेफाक करना पड़ा। और उसामा पाशा ये शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे निकाल दिया है, फाइन लेग की जानिब गेंद गई 4 रन के लिए। मोहम्मद हारिस असाला करना चाहते हैं उन गेंदों का, ये खासी शॉर्ट पिच थी और भरपूर अंदाज से खेले, तैयार थे। उमर हुसैन की पहली गेंद को हिट लगाई है और गेंद गई है 6 रन के लिए। निहायत ही शानदार और बुलंदों वाला छक्का, और ये बड़ी अच्छी गेंद थी, इसे कुछ ज्यादा शामिल थी इसके अंदर, इसलिए ज्यादा मुश्किलात दरपेश नहीं आई है हारिस को। और हारिस यहां जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, दाद देनी होगी हारिस को। फ्री ओवर है, ये खराब लाइन थी और फाइन लेग की जानिब गई बड़ी तेजी के साथ। रन आउट करना चाहते थे लेकिन ये गेंद चकमा दे गई उमर हुसैन की। स्लोअर वन थी और स्लोअर वन को जज करना इतना लोगों की जानिब खेले, फील्डर मौजूद, फंबल हुआ लेकिन 2 रन हासिल किए। उमर हुसैन एक मरतबा फिर इस मरतबा खेले हैं लॉन्ग ऑफ की जानिब, फील्डर मौजूद है और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया है, दूसरा रन लेना चाहते थे। समाप्त आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी है, खेले जरूर लेकिन ज्यादा कुव्वत शामिल नहीं थी। और इस एक रन के साथ 150 रन मुकम्मल हो चुके हैं मुकर्रा 20 ओवर में, और 151 रन का हदफ है यहाँ दस्तगीर स्ट्राइकर की टीम को फतह हासिल करने के लिए। तो एक अच्छा टोटल हासिल कर लिया है। यहाँ एक नजर